हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिग्मा एजुकेशन। आज जो हम प्रॉब्लम सॉल्व कराने जा रहे हैं वो है वर्कशीट 47। 47वीं वर्कशीट है, डेट है 21 अक्टूबर 2020, क्लास 10 मैथमेटिक्स। जो वर्कशीट थी वो आप सभी लोगों ने उसको पढ़ा होगा अच्छे से, उसके जो एग्जांपल्स सॉल्व वाले जो एग्जांपल्स थे वो सॉल्व करे होंगे। अब जो उसके नीचे जो प्रॉब्लम्स दे रखी हैं, जो क्वेश्चन दे रखे हैं, वो मैं यहाँ पर सॉल्व कराऊंगा। आते हैं आपको तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आते आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। फर्स्ट में है, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। ठीक है, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन की, मैं एक बार पढ़ के पूरा बता देता हूँ। ये कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एम फॉर द गिविन फिगर वेयर सी इज द सेंटर। सी सेंटर है, ये इसमें फिगर दी गई है, तो हमें एम का मान ज्ञात करना है। सेकंड में जे इज द सेंटर, ये हमें फिगर दी गई है, हमें एक्स का मान ज्ञात करना है। वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू जो है हमें यहाँ पर निकालनी होगी। ठीक है, तो फर्स्ट की हम बात करते हैं। ये जो एंगल है ये कितना एंगल है, 3m डिग्री, ये है m डिग्री, तो मैं m की वैल्यू निकालनी होगी। तो यहाँ पर आपको ये पता होगा जो ये टेंजेंट होता है, जो टेंजेंट होता है किसी पॉइंट से सर्किल पर, वो रेडियस के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। कितना होगा ये, 90 डिग्री। ठीक है, ये हम बहुत क्लास में डिस्कस भी कर चुके हैं। तो ये जो टेंजेंट है ये कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है, अब हमारे पास सिंपल ये है, 1 2 3 4 चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का जो अंदर वाले जो एंगलों का सम होता है, जो योग होता है, वो कितना होता है, 360। तो यहां से हम कह सकते हैं एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ए इज इक्वल टू कितना हो गया, 360, 360। यहां पर एंगल बी की वैल्यू 90 डिग्री, एंगल सी की वैल्यू 3m डिग्री, एंगल डी की वैल्यू है 90 डिग्री प्लस एंगल ए की वैल्यू है एम डिग्री, ये हो जाएगा 360। 90-90 वाले ऐड हो जाएंगे और एम एम वाले ऐड हो जाएंगे, तो हो जाएगा 180 प्लस 3m प्लस 1m कितना हो जाएगा, 4m इज इक्वल टू 360। ये 180 इधर जाएगा किस में हो जाएगा, माइनस में, तो हो जाएगा 4m 360 माइनस 180, तो ये हो जाएगा 4m, यहाँ बचा 180, m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180, ये इसकी मल्टीप्लाई में 4 डिवाइड में जाएगा, 4 चौक 16 4 5 20, तो कितने आएगा, 45 डिग्री। जो m की वैल्यू आई वो कितनी आई, 45 डिग्री। ठीक है, ये इसका जो है m की वैल्यू होगी। इसी तरह से बात करते हैं x, यहाँ पर क्या निकालना है हमें, x कितना होगा। ठीक है, x कितना होगा, एक हम लास्ट क्लास में पढ़े थे, ये कोई बिंदु है P, यहां से इस पर टेंजेंट हमने ड्रॉ करा, दो टेंजेंट इस पर हमने ड्रॉ कर दिए सर्किल पर, ये टच हो रहा है इसको। ठीक है, तो ये सपोज करो A है, ये B है, तो यहां पे दोनों टेंजेंट की जो लेंथ होगी AP इज इक्वल टू BP बराबर होती है। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं, बहुत बार पढ़ चुके हैं इस स्टेटमेंट को, इस थ्योरम को। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, सिंपली x की वैल्यू निकालनी होगी, तो ये इसके बराबर होगी, तो एच जी इज इक्वल टू आई जी। ठीक है, तो यहाँ पर दी गई है x प्लस 10 इज इक्वल टू 2x माइनस 1, सिंपली इक्वेशन है, समीकरण है, इसको सॉल्व करना है हमें, तो इसको हम इधर ले आएंगे, तो इस 10 को इधर लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 2x, माइनस का 1, प्लस का है तो माइनस का 10, तो माइनस का x बचेगा, या माइनस का 11, माइनस माइनस कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ गई, 11। ठीक है, तो x कितना आ गया हमारे पास, 11। तो यहाँ क्या लिखा है, ये हमने 7 नहीं है, 11 आ गया, गलती से लिख गया था। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आई, 11। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, ये कहता है टू टेंजेंट मेक एन एंगल। ठीक है, 120 डिग्री विद ईच अदर आर ड्रॉन टू अ सर्किल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर सो दैट द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट इज 2√3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैं समझाता हूँ फिगर बना के क्या ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है। ये कहता है सर्किल पर
दो टेंजेंट है एक भार वाले बिंदु से एक्सटर्नल पॉइंट से, ये हमारे पास दो टेंजेंट है जो ये एंगल बना रहे हैं, ये कितना बना रहे हैं 120 डिग्री, ठीक है 120 डिग्री जो है ये एंगल बना रहे हैं। जो सर्किल है वो है हमारे पास 6 सेंटीमीटर का, कितनी है इसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको हम सेंटर O मान लेते हैं, ये कोई P बिंदु है जहां से टेंजेंट है, ये A है ये B है। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है 2√3। तो स्पर्श रेखा क्या है AP और ये BP दोनों क्या होंगी बराबर होंगी, जिसकी लंबाई √3 है, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है ये हमें सिद्ध करना है। वो AP इक्वल टू BP हम लोग पढ़ चुके हैं, थ्योरम जो है ये टेंजेंट इसकी लेंथ इसके बराबर होती है, ठीक है दोनों टेंजेंट क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं वो, ठीक है। एक और हमने करा था, अगर ये एक्सटर्नल पॉइंट्स है हमारे पास, ये इस तरह का है, ये एक्सटर्नल पॉइंट्स है, कोई 30 डिग्री का बना रहा है, अगर मैं सेंटर से, ठीक है वृत्त के सेंटर से इसको बाइसेक्ट करूंगा तो बराबर उसमें पड़ेगा 15-15 डिग्री में। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर इसको इस तरह से बाइसेक्ट करता हूँ एंगल को, तो ये वाला जो एंगल होगा ये बचेगा 60 डिग्री का, और जो ये वाला एंगल होगा ये बचेगा 60 डिग्री का। तो हमारे पास जो निकल के आया, ठीक है ट्रायंगल जो निकल के आया वो इस तरह का था, इस तरह का आया, ठीक है ये इस तरह का ट्रायंगल आया है, इसको अलग से कर देता हूँ मैं, ये इस तरह का ट्रायंगल है जिसमें ये O है ये A है ये P है, यह 90 डिग्री, ठीक है जो 90 डिग्री होता है सेंटर से जो टेंजेंट आता है 90 डिग्री, ये कितना हो गया 60 डिग्री, ठीक है ये कितना हो गया 60 डिग्री। तो अब यहाँ पर तो हम लोग इसको लगा लेंगे, ये कितना है हमारे पास ओ ए कितना 6 सेंटीमीटर, हमें निकालनी कौन सी वैल्यू है एपी, एपी कौन सी है ये एक्स, ये हमें निकालनी होगी एक्स हमें निकालनी है, ठीक है। तो एक एंगल दे रखा, दो एंगल दे रखे, ठीक है और ट्रायंगल कैसा है राइट एंगल वाला, और हमें एक डिस्टेंस दे रखी है, तो इनमें से जो भी हमें जरूरत होगी वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसमें लगता है टेन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा उसके जरिए से, ठीक है। तो हमें ये निकालनी होगी, अगर मैं इसको थोड़ा सा और सही कर देता हूँ, ये एंगल है ये हमारा पॉइंट क्या है पी, ठीक है पॉइंट देखिए पी, यहां से ये एंगल बना रहा है 60 डिग्री का, एंगल बना रहा है पी पॉइंट है, एंगल बना रहा है कितना 60 डिग्री का, क्योंकि 90 डिग्री जो होता है उसके सामने वाला क्या होता है हाइपोटेन्यूज कर्ण होता है, तो ये कितना ओ, ओ पी क्या है कर्ण, ठीक है ओ पी हमारे पास कर्ण, और ओ ए क्या है परपेंडिकुलर लंब, ये हमारे पास एक्स ओ पी ओ ए, ये कितना 90 डिग्री। अब देखिए ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं एक जैसे, बस मैंने इसको जो है इसको नीचे भी धर लिया है, घुमा दिया है इसको मैंने समझने के लिए, है ना। अब देखिए तो हमें फाइंड आउट कौन सी वैल्यू करनी होगी, हमें फाइंड आउट करनी है ए पी, ठीक है ए पी हमें फाइंड आउट करनी होगी एक्स, क्या फाइंड आउट करनी है एक्स, ये मैं इसलिए बना रहा हूँ समझने के लिए, ठीक है। ये हम कितनी दे रखी है ओ ए 6 सेंटीमीटर, ओ ए हमारे पास गिवन है 6 सेंटीमीटर, ठीक है ध्यान से देखिए, ये पी पॉइंट है 60 डिग्री का एंगल बना रहा है ए के लिए और ओ के लिए, पी है 60 डिग्री का एंगल बना रहा है ए के लिए और ओ के लिए, ओ पी, ओ पी जो होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है, तो ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ठीक है। तो ये दोनों किस में यूज होते हैं, ये होता है पी पी, ये हमारे पास बी, तो किस में आता है ये पी अपॉन बी, किस में आता है टेन थीटा में पी अपॉन बी, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, तो आ जाएगा टेन 60, पी पी हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, बी की वैल्यू कितनी है एक्स, तो ये होगा टेन 60 कितना होता है √3 6 अपॉन एक्स, तो आ जाएगा √3 एक्स, यहाँ हो जाएगा 6, तो 3 इसके नीचे चला जाएगा 6 अपॉन √3, √3 से हमने मल्टीप्लाई कर दी ऊपर नीचे, तो आ जाएगा 6 √3, √3 √3 मल्टीप्लाई हो गई
बचा कितना, 2 √3, ठीक है, 2 √3 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आया, टेंजेंट की लेंथ आ गई 2 √3। एक्स की वैल्यू क्या, एपी, हम यहाँ पे लिख सकते हैं एपी इज इक्वल टू बीपी इज इक्वल टू 2 √3। यही हमें जो है ये हमें सिद्ध करना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है 4 है, लास्ट क्वेश्चन है इस वर्कशीट का ये, तो क्वेश्चन को समझना है और रटना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन समझ के करना है तो याद भी रहेगा, अगर रटोगे तो उसको एग्जाम में भूल भी सकते हो, ठीक है, तो रटना नहीं है, समझना ज्यादा है। अ सर्किल टचेस द साइड ई एफ ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, ये ट्रायंगल है, एट पॉइंट पी एंड टच साइड डी ई एंड डी एफ एट क्यू एंड आर रेस्पेक्टिवली व्हेन प्रोड्यूस, सो दैट डी क्यू हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है। ये कहता है एक वृत्त की भुजा ई एफ को बिंदु पी पर, ठीक है, बिंदु पी पर वृत्त की, एक वृत्त की भुजा, ठीक है, एक कोई वृत्त है उस पे जो भुजा है ई एफ, ये भुजा है हमारे पास ई एफ जो रेड वाली, ठीक है, बिंदु पी पर स्पर्श करती है भुजाओं डी ई और डी एफ को बढ़ाने पर, भुजाओं डी ई और डी एफ को बढ़ाने पर, हमने जो है ये हमारे पास डी पॉइंट है, डी ई और डी एफ को बढ़ाने पर क्रमशः बिंदु क्यू तथा पी, ठीक है, क्यू तथा पी पर स्पर्श करता है, सिद्ध कीजिए कि डी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ का परिमाप। ये हमारे पास फिगर बनेगी इस तरह की, ये बिंदु जो है ओ नहीं है, यहाँ पर डी है, ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है डी क्यू, ठीक है, ये हमें सिद्ध करना होगा, बहुत ही आसान है, समझ लो क्या है इसमें। सबसे पहले तो मैं ये बताता हूँ तुम्हें, जो इसमें यूज होने वाला है वो ये है, अगर हमारे पास टेंजेंट का खेल है सिर्फ, है ना, टेंजेंट रेडियस, अगर हमारे पास ये वृत्त है, यहाँ से जो है क्या करते हैं हम लोग, ये बिंदु है, ठीक है, ये यहाँ पर हमने इस तरह का हमने डाला, ये ई पॉइंट मैंने माना है, ये बिंदु क्या ई पॉइंट, ये टच कर रहा है, यहाँ पर टच कर रहा है, इतने वो देखिए पहले, है ना, ऊपर वाले को यहाँ टच कर रहा है, तो यहाँ टच कर दिया पी, यहाँ टच कर दिया क्यू, इसी तरह से ये टेंजेंट इसके बराबर होगा, तो ये हो जाएगा ई क्यू बराबर ई पी, ठीक है, ये हाफ हमने देखा है, ठीक है, हाफ ऊपर वाला देखा है, अब नीचे वाला देखिए, इस बिंदु को देखिए, अगर एक सर्किल है, ये बिंदु है हमारे पास एफ, यहाँ पे ई बिंदु था, ये बिंदु है एफ, एफ पैस है, एक पी पर टच कर रहा है जो टेंजेंट है, एक एक पी क्यू, ये पी नहीं है हमारे पास, तो यहाँ पर लेते हैं डी क्यू तथा पी पर, कुछ गलत तो लिख रहा है, क्यू आर, हाँ सॉरी, ये जो है आर है, ये सही कर लेना इसको, ये क्या है क्यू और आर, क्योंकि पी बिंदु हम यहाँ पर ले चुके हैं, ये क्या आर। अब देखिए जो एफ से अगर हम लेंगे, ये पी बिंदु पर टच कर रहा है और आर पर टच कर रहा है, तो ये करेगा पी पर टच, ये करेगा यहाँ पर टच करेगा आर पर, ठीक है, देखने रहते थे बना देता हूँ, है ना, ये देखिए ये एक वृत्त है, यहाँ पर जो है एफ बिंदु है, ये वाला पी पर टेंजेंट बनाएगा और आर पर, ठीक है, तो ये पी है, ये आर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पी एफ इज इक्वल टू एफ आर, ठीक है, ये दोनों चीज जो है इसमें है, और कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखिए शुरू करते हैं, डी क्यू किसके बराबर है, डी आर के, ठीक है, अब हमें करना क्या है, ध्यान देखना, हमें निकालना है डी क्यू, तो हमें डी क्यू को रखना पड़ेगा यहाँ पर, है ना, दोनों ये बराबर हैं, डी क्यू इज इक्वल टू डी आर, अगर मैं इनको ऐड कर दूं, ऐड कैसे कर दूं, डी क्यू प्लस डी आर इज इक्वल टू 2DQ, ठीक है, मैं ऐड कर दूं, ये दोनों सेम है, ठीक है, ये सेम है, देखिए DR की जगह DQ रख दिया, तो 2DQ, अगर मैं इसकी जगह ये उठा के रख दूं, तो इक्वेशन बैलेंस है ना, दोनों तरफ सेम आ रहा है ना, तो इससे भी करना है हमें, इसलिए मैं ये लेकर चल रहा हूँ, तो यहाँ पर DQ क्या रख सकते हैं हम,
डी क्यू किसके बराबर है, डी ई प्लस ई एफ ई क्यू के, तो ये हो जाएगा डी ई प्लस ई क्यू, ठीक है, प्लस डी आर किसके बराबर है, डी एफ प्लस एफ आर के, डी एफ प्लस एफ आर के इजिकल टू टू डी क्यू, ठीक है। अब देखिए ई क्यू किसके बराबर है, ई पी के, चलो हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, क्यों, ये टेंजेंट है ना, इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इक्वेशन सेकंड मान लो, इसको मिटा देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड, तो हम रख सकते हैं डी ई तो ऐसे रहेगा प्लस ई क्यू की जगह हम रख देंगे ई पी, ठीक है, फर्स्ट से, उसके बाद प्लस डी एफ ऐसे रहेगा, एफ आर की जगह हम क्या रख देंगे एफ पी, एफ आर की जगह हम क्या रख देंगे एफ पी एफ पी एफ, एक ही बात है, टू डी क्यू, तो यहां पर हम लिख भी सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं ई क्यू बराबर है ई पी के, दूसरा पी एफ बराबर है एफ आर के, ठीक है, टेंजेंट है दोनों, ठीक है, टेंजेंट है एक ही बिंदु से जो टेंजेंट है दोनों। अब देखिए ई पी प्लस पी एफ, ई पी प्लस पी एफ, ये दोनों किसके, ये पूरा मिला देंगे, ई पी प्लस पी एफ क्या हो जाएगा ई एफ, ई एफ, ठीक है, फिर आ जाएगा हमारे पास डी ई प्लस ई एफ, डी ई प्लस ई एफ प्लस डी एफ इजिकल टू टू डी क्यू। पैरीमीटर क्या होती है, पैरीमीटर होती है इसकी तीनों साइड का सम। अब देखिए डी ई प्लस ई एफ प्लस डी एफ, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, इसको हम लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, हम इसको पेरीमीटर क्या बोलते हैं, परिमाप, परिमाप हिंदी वाले लिख सकते हैं त्रिभुज डी ई एफ का परिमाप किसके बराबर है, टू डी क्यू के, ठीक है। अब इसको जो है मैं क्या करूंगा, ये टू है, टू इसके मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में जाएगा, तो इसको मैं पहले लिख लेता हूँ, डी क्यू को पहले लिख लिया, ये इसके नीचे जाएगा वन अपॉन टू, तो यहाँ आ जाएगा पेरीमीटर ऑफ डी ई एफ, यही हमें जो है सिद्ध करना था, हिंदी में लिख लें डी क्यू वन अपॉन टू त्रिभुज डी ई एफ का परिमाप, ठीक है, यही हमें जो है सिद्ध करना है। तो वर्कशीट के जो प्रॉब्लम्स थी वो हमने सॉल्व कर दी हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, थैंक यू।